हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूंगफलियाँ घर पर कैसे भूनते हैं उसकी विधि बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मूंगफलियाँ बहुत गंदी हैं, तो सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे। पाक पानी से पहले हम धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिफरेंस दिखा सकते हैं। ये हमने जो वॉश करी है वो मूंगफली है, ये देखिए, और जो हमारी पहले जो गंदी थी वो ये है। तो फ्रेंड्स, वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर हम गंदी वगैरह खाते रहते हैं, तो इसीलिए। और मैं आपको पानी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी, ये देखिए पानी में भी कितनी ज़्यादा मिट्टी है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसमें ये खाने वाला जो नमक होता है वो डालेंगे। नमक जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इनको मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये मूंगफली भूंज रही है तो मैं फटाफट चटनी बना लेती हूँ। तो इसमें सिलफतर पे ही चटनी बनाई जाती है क्योंकि थोड़ा टेस्टी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो नमक भूंज रहा है उसी का थोड़ा सा नमक ले लिया, ये देखिए, और हरी धनिया ले रहे हैं हम। ये फ्रेश हरी धनिया, और इसी चटनी के साथ जब हम मूंगफली खाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी पिस गई है, ये देखिए हमने ले ली, और हमारी मूंगफली भी भुंज चुकी है। ये मूंगफली हमने ले ली, थोड़ा सा इसी का हमने नमक भी ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मूंगफली रेडी हो गई है, चटनी भी रेडी हो गई है, और नमक से मूंगफली पूरी क्रिस्पी है। इसमें हम थोड़ा चटनी लगा के टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही यामी लग रही है। मेरे जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसे घर में ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही शुद्ध और अच्छी है, और साथ में बहुत ही टेस्टी है। चटनी बिल्कुल बनाना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।